समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व काबो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल है इसी में मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खा खुशियों की खा कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान। नमस्कार, आदाब, मित्रों स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि मृत्यु के पश्चात क्या विभिन्न योनियों के बारे में चर्चा हो रही थी यद्यपि आध्यात्मिक विषय बहुत गहन है लेकिन यदि हम थोड़ा विचार करते हैं थोड़ा इस पर चिंतन करते हैं तो सचमुच समझ में आने लगता है कि सत्य क्या है बहुत सारी चीजों से हम डरते हैं जैसे भूत प्रेत लेकिन कल भ्राता जी कह रहे थे कि इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो जीवित में हमें नहीं डरा सकते वह मृत्यु के पश्चात हमें क्या डराएंगे तो बहुत सारे सत्य का जब हमें बोध होने लगता है तो हमारे अंदर का भय दूर होने लगता है यूं तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और जिस प्रकार हम जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं किसी ने कहा है कि जीवन को आनंदित करने के लिए हमारे पास सैकड़ों शास्त्र हैं हजारों युक्तियां हम अपनाते हैं और लाखों औषधियां यूज़ करते हैं लेकिन मृत्यु को आनंदित बनाने के लिए हमारे पास केवल एक ही साधन है और वो है आध्यात्म और आध्यात्म के माध्यम से ही वास्तव में हम अपनी अंतिम यात्रा को बहुत सहज और सरल कर सकते हैं किसी ने कहा है शायद कबीर दास जी ने कहा है कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार तो हर एक को एक दिन जाना है लेकिन उस अंतिम यात्रा को कैसे सुखद और श्रेष्ठ बनाए यही चर्चा हमारी प्राता जी के साथ चल रही थी आई इस चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाते हैं प्राताजी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है शुक्रिया कल तो यद्यपि हमारी बहुत सारी इस पर चर्चा हुई थी जी की कैसे अपनी अंतिम यात्रा को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं और अभी से क्या क्या इसके लिए अभ्यास किए जा सकते हैं लेकिन ये भी सत्य है कि मृत्यु से व्यक्ति डरता बहुत है जानता है कि जाना है लेकिन उसके अंदर भय भी बहुत है इस भय को कैसे वो दूर करे और अंतिम यात्रा के लिए सहज खुशी से तैयार हो जाए जैसा हम चर्चा कर भी रहे थे ये भय इसलिए है कि मृत्यु के समय उसके सारे ही पाप कर्म उसके सामने आ जाते हैं जो उसको भयभीत भी करते हैं और देह से निकलने में आत्मा को अति कष्ट होता है इसलिए सत्य तो यही है कि मृत्यु और जन्म की जो प्रक्रिया है इसमें ही आत्मा को सर्वाधिक पनिशमेंट होती है गर्भ में भी वैसे तो नौ मास का दिखाया है लेकिन चार मास पांच मास जब आत्मा गर्भ में रहती है देह में प्रवेश करती है वो कष्टदायी पीरियड और देह छोड़ने में कई योग को काफी लंबा समय लग जाता है वो पीरियड ये दोनों ही बड़े कष्टदायी होने के कारण मनुष्य भयभीत रहता है अभी अनेक बार मृत्यु से गुजरा है इसलिए उसका भय सबकॉन्शियस माइंड में छपा हुआ है तो वो डराने लगता है मौत का नाम ही मनुष्य को भयभीत कर देता है अब ये सचमुच सुंदर प्रश्न है कि हम मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हों पहले तो हमें संकल्प कर लेना चाहिए बिल्कुल इसकी डेफिनेशन जान लेनी चाहिए कि मृत्यु और कुछ नहीं देह जो हमारा वस्त्र है इसको बदलकर नया देह रूपी वस्त्र लेना है उसका नाम मृत्यु है तो जैसे कोई एक वस्त्र पुराना हो गया हो, अभी वो पुराना हो गया फट गया मेला सा रहने लगा तो हम चाहते हैं ना उसे बदल दें तो हमारा ये देह भी पुराना हो गया हमने इसमें साठ साल सत्तर साल अस्सी साल, साल व्यतीत कर लिए अब हमें ये पुराना देह छोड़कर एक नया बच्चे का सुंदर देह लेना है ये मान्यता ये फीलिंग हमें खुशी की ओर ले चलेगी उसके भय से हमें मुक्त करेगी रही बात यह कईयों की मृत्यु बचपन में कईयों की युवा काल में हो जाती है वो कर्म गति के अनुसार होता है लेकिन मृत्यु देह बदलने का ही नाम है और कुछ नहीं है और जो राजयोग के पथ पर हैं जिन्होंने आध्यात्म को अपना जीवन बनाया है उन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए मैं आत्मा यहाँ ज्योति स्वरूप ये देह अलग और मैं आत्मा अलग हम दोनों अलग हैं ये न्यारेपन की जितनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती रहेगी तो धीरे धीरे आत्मा देह से डिटैच ही रहेगी और वो ऐसी स्थिति है जैसे मृत्यु के समय होती है आत्मा देह से डिटैच होकर चल देती है तो जीते जी मनुष्य देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस करता रहेगा तो ये डिटैचमेंट जिसको हमें शरीरपन कहते हैं बॉडीलेसनेस कहते हैं ये मृत्यु को बिल्कुल एक खेल बना देगा आनंदकारी बनाएगा और जैसे रोज हम प्रैक्टिस करते हैं मैं आत्मा अलग ये देह अलग मृत्यु के समय ये क्लियर फीलिंग होगी मैं आत्मा लग ये दे छूट रहा है मैं चली अपने परम पिता के पास अपने धाम बस ये अभ्यास अगर बार बार करेंगे जी। तो भय समाप्त हो जाएगा लेकिन मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इसमें मनुष्य को पुण्य कर्मों की ओर बहुत बढ़ना चाहिए पाप जो मनुष्य को आसक्त करते हैं उसके बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं देह के प्रति आसक्त करते हैं मनोविकार भी देह के प्रति आसक्त करते हैं देह में रखते हैं तो आत्मा जैसे देह से चिपक जाती है और चिपकी हुई आत्मा को अलग करना ऐसा ही है जैसे किसी की खाल अलग की जाए कितना कष्ट होगा तो आत्मा देह से चिपक गई दे, उसको देह से न्यारा होने में बहुत कष्ट होगा इसके लिए बॉडीलेसनेस पुण्य कर्म पवित्र जीवन ये तीन चीजें अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो हमारी मृत्यु सचमुच मृत्यु हम ये सब नहीं बोल जाएंगे कि हम मर रहे हैं आम तौर पे जो लोग आज सामान्य जीवन में हैं जो अध्यात्म से गहराई से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग तो यही चाहते हैं कि मृत्यु मतलब उनके लिए एक अपशकुन जैसा एक शब्द है कि, कि किसी ने क्या कह दिया तो इस चीज को वो कैसे सहज रूप से अपने जीवन में लाए क्योंकि ये सारे अभ्यास ना तो वो कर रहा है ना तो उसके पास एक वक्त भी है तो अंत समय में कहीं जा करके फिर उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है कैसे वो अपने जीवन में शामिल करे वो जाने या ना जाने मृत्यु तो एक अटल सत्य है जी जिसने देह लिया है उसको देह छोड़ना अवश्य है आत्मा तो मरती नहीं इतना तो सबको जानना ही चाहिए कि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ ये मेरा देह अलग है जी। इतनी नॉलेज सबको लेनी ही पड़ेगी फिर अगर वो राजयोग का अभ्यास नहीं भी करते तो उन्हें पुण्य कर्मों की ओर बहुत बढ़ना चाहिए उन्हें वासनात्मक जीवन सदा ही नहीं बिताना चाहिए अब उनकी पचास साल हो गई पचपन साल हो गई तो वासनात्मक जीवन को छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी ही चाहिए समाज सेवा के कार्यों में लग जाना चाहिए पुण्य कर्म दूसरों को सुख देना असहायों के सहारे बनना जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा उन्हें मदद करना इस तरह के पुण्य कर्म करेंगे तो मन वैसे ही सुखद रहेगा और सुखद क्यों उनको प्राप्त होगी जी कई बार जो एक अकाली मृत्यु वाली जो बात होती है कई लोग बचपन में चले जाते हैं कई लोग एक्सीडेंटल जैसे मौत हो जाती हैं तो इनकी क्या वजह बनती हैं वैसे तो आमतौर पर नेचुरल डेथ होना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि आजकल ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं इनका क्या कारण है देखिए मूल कारण तो कर्मों का खाता ही है लेकिन प्रैक्टिकल कारण भी दिखते हैं कारें टकरा गई किसने कुछ गलती कर दी कोई शराब पी के चला रहा था किसी को नींद आ गई थी नींद भी क्यों आई उसी टाइम इसके पीछे कर्म की गति है इसलिए मूल रूप में क्योंकि तो पाप बहुत बढ़ रहा है मनुष्य साधनों के अधीन ज्यादा हो गया है साधनाएं उसकी छूट गई हैं स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल छूट गई है नहीं तो एक समय था हमारे संसार में कि मनुष्य अपना सवेरे का टाइम प्रभु की ओर व्यतीत करता था अब वो सवेरे का टाइम अखबार पढ़ने में टीवी देखने में देर से उठने में इसमें बिता देता है सोने में खाने पीने में उठते ही खाना शुरू कर देते हैं कई लोग तो तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है मनुष्य को फिर से स्पिरिचुअल तो बनना ही पड़ेगा उसके बिना उसकी गति नहीं होगी हम ऐसा कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी तो लाइक ऑक्सीजन है जो मनुष्य को श्वास देगी स्पिरिचुअलिटी नहीं तो जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही जैसे किसी बीमार को कष्ट होने लगता है ना सांस लेने में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया जाता है तो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी तो मस्त है इसकी ओर तो सबको आना ही पड़ेगा अगर वो स्व इच्छा से नहीं आएंगे तो परिस्थिति उसको विवश करेंगी कि अब तुम स्पिरिचुअल बनो तो एक आम व्यक्ति को सुखदायी होना चाहिए और निश्चित रूप से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए जी कई बार हम अब चलिए कर्मों की बात बहुत गहन है लगातार आप इस पे प्रकाश डालते हैं कि बुराई नहीं करना चाहिए अच्छाइयों की ओर ही बढ़ना चाहिए तो हर एक इस पे ध्यान अवश्य दे ताकि उनकी अंतिम यात्रा भी सहज हो और जीवन का भी संपूर्ण आनंद ले कई बार माता जी हम लोग सुनते हैं कि इच्छा मृत्यु जो शब्द है वो भी आप यूज करते हैं और हमने भी सुन रखा है शास्त्रों में कि कई बहुत पहुंचे पहुंचे संत थे उन्होंने इच्छा से अपने देह का त्याग किया क्या ये आज के मनुष्य के लिए संभव है कि वो अपनी मृत्यु को अपने अनुसार निश्चित कर सके इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सके आज का मनुष्य यदि सच्चे अर्थों में ऋषि बन जाए वो अगर राजयोग साधना की और बहुत अच्छी तरह बढ़े उत्तर तो मैं इसका दे चुका हूँ अगर वो पूरी तरह बॉडीलेसनेस की स्थिति में आ जाए ये दे बिल्कुल अलग और मैं आत्मा अलग तो उसकी इच्छा मृत्यु ही होगी क्योंकि वो पहले ही मर चुका हमेशा कहें देह में रहते भी जैसे वो देह वान से निारा है तो मृत्यु की जैसे उसे रोज की प्रैक्टिस है तो जब वो चाहेगा मृत्यु का वरण करेगा और मुक्तिधाम जहाँ उसे जाना है देह छोड़कर अंत में फर्स्ट विजन होगा उसके सामने तो वहाँ भी वो सहज जा सकेगा इसलिए इस स्थिति को पाने के लिए कलयुग में ये स्थिति पाई जाएगी क्योंकि सभी कलयुग में है स्वयं भगवान ने आकर ये राज्यों की ऐसी विद्या सिखाई है जिससे हम बॉडीलेस हो जाएंगे और हम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे वो एक वरदान के रूप में हमारे पास आ जाएगा न फिर एक्सीडेंट्स होंगे वो ऐसी व्यक्तियों के कष्टों से भरी हुई जो अंतिम यात्रा होती है ना दो चार साल कईयों की एक दो दिन भी वो भी नहीं होगी सहज बैठे बैठे परमात्मा की याद में एकदम आनंद पूर्वक देशinare हो जाएंगे। प्रतिभा जी अश्विनी काले जी पुणे से हमें लिखती हैं कि क्या अमरत्व जैसी कोई चीज है? हम सुनते रहे हैं कि देवताएं अमर थे या आज भी हिमालय में कई ऐसे ऋषि हैं जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष है। तो ये इनका मूल प्रश्न है कि अमरत्व हम सुनते आए हैं ये भी क्या संभव है? देखिए ये बिल्कुल सत्य बात है गीता में भी कहा गया है कि जिसने देह लिया उसको देह तो छोड़ना ही है जी। लंबी आयु हो सकती है और हमारे जो तपस्वी और ऋषि मुनि हैं उनके पास एक काया को गल्पित करने की एक ऐसी विद्या होती है कि वे जड़ी बूटियों के प्रभाव से जो शरीर पर आयु का असर आ जाता है सब कुछ सिस्टम एकदम वीक पड़ जाता है बॉडी में वो उसको जैसे रिन्यू कर लेते हैं अपनी शक्तियों से और जड़ी बूटियों से विभिन्न क्रियाओं से तो ऐसे लोग थोड़ा लंबा समय जी लेते हैं हमने भी सुना त्रिलंग स्वामी थे एक बनारस में जो तेलंगाना से थे इसलिए उनको त्रिलंग स्वामी कहते तीन सौ साल जिये और उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी वही के उन्होंने और सब संसार की इच्छाओं को त्याग कर दिया था इसलिए ऐसे कुछ तपस्वी हैं एक योगी बाबा भी हुए हैं जिनको लोग कहते हैं कि वो हमेशा पच्चीस साल की आयु जैसे ही दिखते थे ढाई सौ साल वो भी जिए कई उनके शिष्य भी हमारे पास आए हैं जो राजयोग सीख रहे हैं तो ये है तो सत्य लेकिन अपरत्व जो देवताओं के बारे में प्रसिद्ध है कि वो अमर थे अमर का अर्थ यह है कि देवयुग में मृत्यु शब्द ही नहीं था उन्हें मरने की कोई फीलिंग ही नहीं थी उनकी मृत्यु तो ऐसी थी जैसे एक पुराना वस्त्र बदल के नया लेना उनको इसकी फीलिंग होती थी कि ये देह बूढ़ा हो गया है अब मैं आत्मा इसको छोड़कर नए बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हूँ लेकिन देह तो सबको छोड़ना ही होता है बस यही कारण है कि देवताओं को अमर कह दिया गया और वही स्थिति योगियों की भी बन जाती है कि उन्हें मृत्यु जैसी भासना होती नहीं है तो उन्हें ऐसा ही लगता है बस देह छूट गया दूसरे में चले गए यही है आत्मा अमर है तो ये जो एक अमृत की बात कही जाती है जी की एक अमृत भी है कहीं पे जिसे पी लेने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है तो शायद ऐसी कोई बात फिर है नहीं आ, शास्त्रों में ये कहावत ही है पूरी लंबी चौड़ी कहानी है कि संग्राम के समय जो निकला। वो उन्होंने वो किया था मंथन जी। उससे बहुत सारी बहुमूल्य चीजें निकली थी उसमें से एक अमृत भी था और वो देवताओं को पिला दिया गया था छुप के उसने राहु केतु जो बन गए उन्होंने पी लिया था तो इसको लोग समझते हैं कि अमृत कोई पानी की तरह होता है घड़े में भरा वो पिलाया गया देवताओं को वास्तव में ज्ञान को ही अमृत कहा जाता है जिससे मनुष्य अमर बन गया यानी उसे सदविवेक प्राप्त हो गया व्यक्ति के मन में जो एक चाहना है व्रता जी की वो अमर हो जाए या कुछ ऐसी जड़ी बूटी उसे मिल जाए कुछ ऐसा ईश्वर का वरदान मिल जाए कि वो इस सृष्टि पे जमा रहे बना रहे तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे बना तो रहे पर साठ साल पचास साल की आयु से देह में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं तो अगर आत्मा उस देह में बनी रहे तो उनकी दुर्गति हो जाएगी वो भगवान को रोज कहेंगे प्रभु जी उठा लो भगवान भी उनकी नहीं सुनेगा तुमने तो कहा था यही रखो मुझे तो वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं ये तो सृष्टि का नियम ही है अगर सभी लोग सदा ही जीते रहें तो जो नए आएंगे वो भी जीते रहेंगे संसार का कल्याण हो नहीं पाएगा बहुत सारी विकृतियां संसार में आ जाएगी मनुष्य अति पीड़ित रहने लगेगा इसलिए मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म यही चक्र चलता रहता है रही बात अमृत की जो मनुष्य के जन्म जन्म की इच्छा थी वो पूर्ण हो रही है स्वयं भगवान सबके लिए अमृत लेकर ही आए हैं प्रभु मिलन ही सबसे बड़ा अमृत है शास्त्रों वेदों से भी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी बन नहीं पाया ज्ञान उसके जीवन में नहीं आया बल्कि बहुत लोगों को उनके ज्ञान ने अभिमानी बना दिया अब भगवान सत्य ज्ञान का प्रकाश लेकर आया है उसके ही ज्ञान को ज्ञान अमृत कहा जाता है क्योंकि भगवान ही परम सत्य है वही सत्य ज्ञान देते हैं और उसके द्वारा ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करता है मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये समय सभी की उस इच्छा को पूर्ण होने का भी है कि हमें कहीं से अमृत मिले अमृत पान कराया जा रहा है जिसको भी अमृत पान करना हो परमात्मा उसका आह्वान कर रहे हैं आ जाओ पर भगवान स्वयं अमृत पान कराएंगे बिल्कुल जी जैसी अमृत की बात है वैसे ही एक हमेशा ही व्यक्ति की चाहना मृत्यु वाली बात तो खैर दूर रही एक चीज यौवन प्राप्त करने की चाहना हमेशा से रही है व्यक्ति व्यक्ति की आज भी व्यक्ति कितना भी बुजुर्ग होने लगे बढ़ने लगे आयु बढ़ने लगे फिर भी चाहता है कि उसका जो यौवन है वो कायम रहे हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है फिर भी व्यक्ति की चाहना तो है ऐसे लोगों को क्या कहेंगे क्या यौवन कायम रह सकता है राज्यों के अभ्यास से या कुछ और जड़ी बूटियां गलतियां हो सकती हैं। यौवन कायम रखने की इच्छा के पीछे दो रहस्य होते हैं एक तो बहुत पॉजिटिव कि हमारा देह एनर्जेटिक हो हम थके नहीं हमारी बुद्धि भी पूरी अच्छी एम्पावर्ड रहे और हम पूरा समय कार्यरत रहें काम करते रहें युवकों जैसी ताकत हमारे अंदर हो लेकिन दूसरा है मनुष्य का एक विकृत विचार कि उसके अंदर विकारों को भोगने की शक्ति रहे इसलिए वो युवक बना रहना चाहता है ये तो विनाशकारी विचार है और ये कभी हो ही नहीं सकता जो भोगवासनाओं में बहुत रहते हैं वो तो चालीस साल से ही बूढ़े होने लगते हैं लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे योगी हैं जो लंबी आयु के हो गए हैं लेकिन चेहरे पर यौवन तो मैं शब्द यूज नहीं करूँगा बालक जैसी निर्मलता प्योरिटी मुस्कान वैसी स्वच्छता इस से मुक्ति वैसी प्योरिटी उनके चेहरों से दिखाई देती है जरूरत इस चीज की है यौवन तो हम जानते हैं आयु बढ़ेगी देह बूढ़ा होगा यौवन तो सदा किसी का रह नहीं पाएगा इसलिए ऐसी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है मन को युवक रखना है मन को एनर्जेटिक रखना है हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांग रहे अंत तक उसमें सदविचारों का समावेश होता रहे हम सुंदर विचार क्रिएट करते रहे यही सच्चाई यौवन है और इससे ही मनुष्य जीवन सुखी हो बिल्कुल और जहां तक अमृत की बात हम लोग कर रहे थे ब्राता जी तो मैं देखता हूँ अचानक मुझे याद आ गई दादी जानकी जी उनको तो वैज्ञानिकों ने जब उनके ब्रेन को चेकअप किया तो मोस्ट स्टेबल माइंड इन दर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेडी इन दर्ल्ड ये उनको टाइटल दिए थे उन्होंने तो वास्तव में उनकी बुद्धि तो बहुत ही सुंदर रही क्या कारण है जी आपको उसका कारन? मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी बुद्धि को कहीं भी उलझाया नहीं जहां तक त्याग का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिज्म में उसमें उन जैसा त्यागी शायद ही कोई संसार में हो जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं एक हमारे यहाँ ब्रह्मा बाबा थे जो फाउंडर थे दूसरी जगदम्बा सरस्वती जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं जो सर्वस्व त्यागी थे जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा दिया और तीसरा नंबर है दादी जानकी का मुझे कहते गर्व होता है क्योंकि मैं उन्हें बहुत साल से पचास साल से जानता हूँ देखता आया हूँ बहुत त्यागी अपने लिए कुछ रखने की इच्छा नहीं कोई सुख भोगू मैं मैं अब चीफ हूं, मुझे भी कुछ हो, कुछ हो नहीं सब दूसरों की सेवा में अर्पित तो एक तो त्याग जब मनुष्य में त्याग नहीं होता तो उसकी बुद्धि बहुत कुछ सोचती है कहीं टेंशन में रहेगी कहीं निगेटिव रहेगी दूसरा वो अनासक्त बहुत रही है निर्मोही खाना भी जो मिला खा रहे हैं कपड़े भी सिंपल सिंपल पहन रहे हैं कुछ उनमें उनको कोई इच्छा नहीं थी किसी दिखावट बनावट की इसका इफेक्ट हमारी बुद्धि पर बहुत आता है। उन्होंने अपनी बुद्धि को सदा ही स्ट्रेस फ्री रखा है स्ट्रेस फ्री रहने के कारण चिंता मुक्त रहने के कारण उनकी बुद्धि बहुत ही डिवाइन हो कर रही और असली बात यह है जो ईश्वरीय ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया उसका उन्होंने बहुत मनन चिंतन किया है उसको अपने जीवन में उतारा है ऐसी कोई बात नहीं जो भगवान ने कही हो और उन्होंने ना अपनाई हो इन सब कारणों से उनकी बुद्धि बहुत सॉलिड बड़ी स्ट्रांग बहुत डिवाइन है और अब तक भी जब वो क्लास कराती हैं तो हम भी सोचते रहते हैं इतनी अच्छी ज्ञान की बातें इतने सुंदर तर्क इतनी अच्छी लैंग्वेज इतना अच्छा ईश्वरीय नशा वाह ये तो सचमुच हम तो यही कहेंगे प्रभु की मेहरबानी है उन पर लेकिन उनकी अपनी त्याग तपस्या भी कम नहीं यौवन की बात जो एक पवित्र यौवन जो आप कह रहे थे की बात लगता है यदि ये सारी चीजें उनके भी जीवन में हो त्याग हो तपस्या हो तो शायद ये एक सहज कुंजी की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में यही हो रहा है की आज मनुष्य इतना उलझ चुका है आज वो इतना निगेटिव हो चुका है की कई लोग तीस साल में ऐसे दिखाई देते हैं मरे मरे हो गए बिल्कुल अपनी शक्तियों को उन्होंने नष्ट कर दिया भोग विलास में फिर निगेटिव चिंतन कहीं निराशा है कहीं चिंताओं में डूबे हुए हैं सफलता नहीं मिल रही कहीं भी तो बहुत परेशान है तो मानसिक रूप से वो अति दुर्बल हो गए 30 साल की आयु में मानसिक रूप से बूढ़े तो यौवन कहाँ रहेगा उनके पास इसलिए ये शब्द ही सुंदर है पवित्र यौवन आत्मा को युवक रखना है वास्तव तो में अपने मन को चुस्त रखना फ्रेश रखना आनंद में रखना, रखना, पॉजिटिव यही सब इम्पोर्टेंट है इसका ही असर देह पर बहुत गहरा पड़ता है मैं थोड़ी सी बात कह दूं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं मुझे भी डॉक्टर समझते हैं लोग और बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं दो चार दिन से दो चार के फोन ऐसे आ रहे हैं कि हमें अनेक बीमारियां हैं मैं पूछता हूं क्या क्या अनेक सारी <laughs> 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 मैं एक तो तो बता दो सुगर भी है हाई ब्लड भी है हार्ट भी कमजोर हो गया है है थायराइड भी भी हो गया है। ये वो अनेक बातें खाना भी नहीं होता मैं उन्हें एक ही चीज सिखाता हूँ मन को प्रसन्न कर लो मन को शांत कर दो मन को एनर्जेटिक कर दो तो ये सारी बीमारियां भाग जाएंगी वही विधि मैं उनको सजेस्ट करता हूँ तो वास्तव में मन को अगर चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए तो रहेगा बिल्कुल पता क्या प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं दी जाती हैं जो सिखाया जाता है या जिस जीवन पद्धति को सिखाया जाता है क्या वो यही है जिससे यहाँ पे एक अमृत्व की भावना है या इतने सभी लोग श्रेष्ठ योगी की तरह दिखाई देते हैं क्या है इसके पिछले देख लीजिए आप ज्ञान पांडव हो पांडव शांति वन अधिकतर लोगों की आयु चालीस साल के ऊपर है जी पैंतालीस साल पचास साल सब युवक हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं उन्हें देख के कोई भी कहेगा नहीं कि इनकी आयु पचास साल हो गई कहेंगे पच्चीस साल के लड़के आ गए यहाँ सब बीस साल के आ गए हंसते रहते हैं तुमने सब लड़कों लड़कों को इकट्ठा कर अरे मैंने कहा भाई ये लड़के नहीं हैं इनकी आयु चालीस साल से ऊपर पहुंच चुकी है किसी की पैंतालीस है किसी की पचास है तो वो इन पवित्र विचारों का पवित्रता का मन प्रसन्न रहता है सवेरे ही अमृत भर जाता है मन में ज्ञान अमृत योग का रस योग का सुख अमृत से अमृत प्राप्त होता जाता है यानी उनकी स्थिति अमर होती जाती है उनकी प्योरिटी अमर होती जाती है यही वास्तव में वो अमृत है जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है जी सचमुच लंबे समय से जो लोगों के मन में एक भाव था एक प्रश्न था अमृत के विषय में मृत्यु के विषय में या मृत्यु के बाद क्या होगा वो तो खैर बहुत एक लंबा विषय है इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे लेकिन आज के सुंदर प्रकाश के लिए ज्ञान अमृत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों वास्तव में अमृतत्व जो हमेशा से एक चाहना रही है मानव मन की अभी भी हम चाहते हैं कि हम अपने सगे संबंधियों के साथ ही बने रहें बने रहना बहुत अच्छी बात है लेकिन स्वस्थ रहते हुए बने रहना सबसे मूल बात है और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे मन का विचार बहुत स्वस्थ हो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो और ये तभी हो पाता है जब हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं राजा जी लगातार चर्चा करते रहते हैं कि राज्यों के माध्यम से ही हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं ऐसे गुण जागृत हो जाते हैं जिसके माध्यम से वास्तव में आयु जैसे ठहर सी अमृतत्व है मैं तो कहता हूं कि यही वास्तव में है और जीवन को जीना 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 खुशी से जीना, आनंद से आनंद तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है जो एक प्रश्न मैंने बहुत कड़ियों पहले छोड़ा था और साथ साथ इस इसपे हमने लगातार चर्चा की भी है लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आप लोगों के अब भी हमारे पास हैं इस को हम आगे जारी रखेंगे ताकि आध्यात्म के तहत तक पहुंच सकें, मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें और न केवल जीवन का लेकिन मृत्यु का भी संपूर्ण आनंद ले सकें। आपका जीवन आनंदित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान